सभी को नमस्कार। सबसे पहले अनिता भारती जी, अरुण जी और सभा में उपस्थित साथियों और मंचासीन सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि अरुण जी ने मुझे विषय दिया था कि आदिवासी और दलित साहित्य के बीच क्या सहसंबंध है और दलित और आदिवासी साहित्य की लोक संस्कृति किस रूप में उभरती है, किस तरह से इनके बीच संबंध है या है भी तो किस रूप में है, किन किन बिंदुओं पर ये एक साथ दिखाई देती है और किन बिंदुओं पर वो अलग होती है। जहाँ तक हम पिछले कुछ वर्षों से जब हम देखते हैं कि खास करके दलित आदिवासी विमर्श की अगर हम बात करते हैं तो विमर्श अकादमिक जगत में पिछले कुछ दशकों से उभरा निश्चित तौर पर है, लेकिन आदिवासी साहित्य की बात, आदिवासी मुद्दों पर निरंतर लोक के माध्यम से, ऑरेचर के माध्यम से निरंतर आदिवासी समाज में उस पर बात होती रही है। और जहाँ तक आदिवासी और दलित साहित्य के सहसंबंध की बात है तो ये संबंध आप देखते हैं कि किस तरह से शोषण की जो बात है कि कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि अभी पिछले कुछ दशकों में ये कहा गया कि अच्छा दलित और आदिवासी साहित्य एक ही खांचे में रख कर देखने की कोशिश भी निरंतर होती रही है, जो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आदिवासी और दलित साहित्य की और समाज की अपनी अपनी अलग अलग सामाजिक संरचनाएँ हैं, उसकी अपनी अपनी अलग संस्कृति है। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें दलित समाज जो है पूरा का पूरा भारत में अगर कहीं पर भी देखें, अगर पहाड़ में देखें, मैदान में देखें या कोस्टल एरियाज़ में अगर आप देखें, उनकी स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अगर अनटचेबिलिटी बढ़ता जाता है तो वो पहाड़ में भी है, मैदान में भी है, वो दूर दराज के क्षेत्रों में भी है। लेकिन आदिवासी समाज के संदर्भों में अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर डाइवर्सिटीज़ बहुत है। आदिवासी कोई कास्ट नहीं है, जाति नहीं है। आदिवासियों के साथ कोई अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो भेदभाव है वो नहीं है वहाँ पर। आदिवासी अगर आप देखें वो हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, अलग अलग अपने धर्म को मानने वाले, मतों को मानने वाले भी हैं, जितने भी धर्म हैं, मुसलमान भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं उसमें आप देखें, तो इतने डाइवर्स कल्चर आदिवासी समाज और साहित्य के भीतर आपको दिखाई देता है। आज हम आदिवासी साहित्य की अगर हम बात करते हैं सिर्फ 1% आदिवासी साहित्य जो है, आदिवासी समाज का साहित्य जो है हमारे सामने आता है, जो खास करके आप देखें कि झारखंड डोमिनेंट साहित्य जो है, आप देखते हैं कि आदिवासी सिर्फ वो झारखंड डोमिनेंट साहित्य मात्र नहीं है, आदिवासी वो सारे के सारे डाइवर्स कल्चर का लिटरेचर है जो अभी आना बाकी है। और जहाँ हम शोषण की बात करते हैं, आदिवासी और दलित दोनों ही शोषित हैं, और ऐसे में अगर हम दोनों को एक ही खांचे में रखकर जब हम देखने लगते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि अगर दलित साहित्य हाशिए का साहित्य है तो आदिवासी साहित्य हाशिए में भी हाशिए का साहित्य है, आदिवासी समाज हाशिए में भी हाशिए का समाज है। क्यों? दलित साहित्य पे अगर आप देखें कि राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर वो चेतना पूरे के पूरे आप पैन इंडिया अगर आप देखते हैं तो वो प्रखर रूप में उभर कर आता है, लेकिन आदिवासी साहित्य में वो प्रखरता, वो एक एक यूनाइट होकर वो जो रूप बनना चाहिए वो अभी उस रूप में नहीं उभरा है, जिसकी दरकार है, जिसकी ज़रूरत है। और उसकी वो क्यों नहीं उभरा है, उसके पीछे यही सब रीज़न है। आप ज्योग्राफिकली इतना डाइवर्स है, रिलीजन के आधार पर इतनी डाइवर्सिटीज़ है, कई ऐसे भी अभी आदिवासी प्रिमिटिव स्टेज पर है जहाँ पर शिक्षा नहीं, लैंग्वेज बैरियर है, भाषा वहाँ पर आप देखें कि एक एक बाध्यता है। तो इस रूप में अगर हम देखते हैं तो दलित और आदिवासी साहित्य के बीच का संबंध अगर आप देखते हैं कि दलित साहित्य बहुत आगे निकल चुका है, दलित समाज में वो चेतना बहुत प्रखरता से उभरी है जो अभी आदिवासी साहित्य में, आदिवासी समाज में उस रूप में आपको नहीं दिखाई दे। जहाँ तक शोषण की बात है, शोषण दोनों ही जगह है, लेकिन शोषण का स्तर किस रूप में है। दलित साहित्य को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर शोषण जो है आप जाति के आधार पर है, अनटचेबिलिटी है, और वो शोषण इसलिए क्योंकि शोषक आप दलित समाज में आप देख, शोषक बहुत करीब का है, क्योंकि एक ही गांव में, गांव के दक्षिण में अगर दक्षिण की तरफ दलित वास कर रहा है
तो शोषण करने वाला जो क्या है कि शोषक जो है उसी के पास है, और दूसरी तरफ से अगर आदिवासियों को अगर आप देखते हैं शोषक बहुत दूर है, क्योंकि आप अगर उसकी उसकी ओरिजिन की तरफ अगर आप जाते हैं तो जब तक पूंजी नहीं आती है, जब तक आपको संसाधनों का दोहन जब तक नहीं होना शुरू होता है, तब तक अपने उस स्वायत्त सेल्फ गवर्नेंस में वो बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है, उन्हें कोई प्रभुत्व नहीं चाहिए, उन्हें कोई राजस्व नहीं चाहिए। लेकिन जब हम दलित साहित्य के बीच देखते हैं शोषण के उन तंत्रों को, वहाँ पर वर्चस्व की सत्ता की लड़ाई है कि हमें समान अधिकार चाहिए, हमें भी वो सत्ता चाहिए, हमें भी वो राइट्स चाहिए। अंबेडकर जहाँ पर भी आप देखें कि मानवाधिकार की जब बात आती है तो अंबेडकर की वैचारिकी सभी को एक साथ जोड़ती है और वो उसे आगे ले जाती है। तो इस रूप में दलित साहित्य की वैचारिकी जो है, अंबेडकर और फूले की जो जीवन दर्शन है, उनकी वैचारिकी है, उसके आधार पर वो आगे बढ़ती है, पॉलिटिकल लेवल पे भी और लिटरेचर के लेवल पे भी और समाज के स्तर पर भी है। लेकिन आदिवासी साहित्य में अगर आप देखें कि एक आइकन उस रूप में नहीं है, जिस तरह से अंबेडकर एक आइकन है जो सबको, सब दलितों को एक साथ जोड़ती है, पैन इंडिया वो एक अंडर द वन अम्ब्रेला वो लाते हैं। लेकिन आदिवासी साहित्य के बीच, आदिवासी समाज के बीच अगर बिरसा मुंडा एक आइकन है या जयपाल सिंह मुंडा एक आइकन है, तो झारखंड का व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा से बहुत आत्मीय रूप से जुड़ सकते हैं, जिस प्रकार अंबेडकर से सभी दलित बहुत आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं, हर शोषक वर्ग उनसे जुड़ता है, उनकी वैचारिकी उन्हें प्रभावित करती है, उन्हें वो चेतना संपन्न बनाती है। लेकिन आदिवासी साहित्य के बीच अगर आप देखें तो वो जुड़ाव कोई नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति या कोई पहाड़ का व्यक्ति बिरसा मुंडा के साथ उस लगाव, उस आत्मीयता के साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका संघर्ष अलग है। अगर एक तरफ बिल्कुल जंगल है, जहाँ अगर हम आदिवासी साहित्य में अगर आप देखें जंगल जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, तो एक तरफ बिल्कुल बैरन लैंड है जहाँ पर डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, जहाँ पर डेजर्ट है, जंगल नहीं है वहाँ पर, तो कैसे आप अपने आप को उस घने जंगलों के साथ अगर आप जोड़ते हैं? क्योंकि हर एक का अपना ज्योग्राफी, हर एक का अपना भाषा संस्कृति, हर चीज़ अलग है। तो शोषण करने वाला तो एक है, लेकिन शोषण करने के तरीके अलग अलग हैं। एक जगह पे कास्ट है जिसके आधार पर, क्योंकि आप देखते हैं, आपने सबने सरोज स्मृति पढ़ी है, आपको निराला की, निराला लिखते हैं सरोज स्मृति में कि जो कान्य कुछ ब्राह्मण है उसमें भी सब कास्ट है, एक ब्राह्मण के बीच भी सब कास्ट है ना। वो सब कास्ट जो है हमारी मनोवृत्ति है मनुष्य की, कि हमें अपनी सबॉर्डिनेट चाहिए। और बहुत दुखद मतलब मैं स्थिति ये है कि दलित राइटिंग में अगर हम देखें, दलित सोसाइटी में अगर देखें, तो वो सबॉर्डिनेट देखने की जो मानसिकता है वो यहाँ पर भी विकसित हुई है, यहाँ पर भी हमें मिलती है। और लेकिन अगर हम ट्राइबल कल्चर में जाएँ, आदिवासी साहित्य में जाएँ, हमें वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती है सबॉर्ड, क्योंकि वहाँ पर सामूहिक है संघर्ष। और दलित साहित्य में अगर वहाँ आत्मकथा क्यों नहीं आती है, और आदिवासियों में देखिए आत्मकथा नहीं है, बियॉन्ड द जंगल एक आत्मकथा है सीता रत्नमाला की, जो भी अंग्रेजी में छपी थी और जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है जंगल से आगे, उसके अलावा कोई आत्मकथा नहीं है। लेकिन दलित राइटिंग में अगर आप देखें वहाँ पर आत्मकथाएँ हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर व्यक्तिगत संघर्ष है, क्योंकि जो दंश आपने झेला, आपने अपना दंश आपने झेला है, लेकिन निश्चित तौर पर व्यक्तिगत जो दंश आपने झेला है वो सामाजिक परिवेश उसमें उभर कर आता है। लेकिन आदिवासी साहित्य में सामूहिकता है, सामूहिक संघर्ष है, और उसके भीतर प्रकृति के साथ सहचर्य का भावबोध है। वहाँ पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो संपूर्ण समाज है, प्रकृति है, जिसके साथ वो अपना संघर्ष निरंतर, वो अपना जुड़ाव जो है वो महसूस करते हैं, अपना संघर्ष जो उसके लिए वो लड़ते हैं। इसीलिए वहाँ पर आप देखिए शोषण की जो तरीके जो अलग अलग हैं, और एक एक जगह पर दलित समाज में अगर सवर्णों को या अपर कास्ट को अगर सबॉर्डिनेट के रूप में, उनके सेवक के रूप में चाहिए, तो दूसरी तरफ से आदिवासियों के वहाँ उन्हें क्या संसाधन चाहिए, जो उनके रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज चाहिए। और आदिवासी साहित्य में प्रतिरोध दर्ज होता है, जो आपका है जो मेरा है आप उसे उसी रूप में आप रहने दें, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो हमारा है चाहे वो भाषा संस्कृति जल जंगल ज़मीन में जो इंटरफेरेंस है, जिसकी जिस ज़मीन जो जिसके जो नेटिव है वो मूल है निवासी है, उसी से जब वो बेदखल होने लगता है तभी वो तीर धनुष
कमान चलाना वो सीखता है, चलाता है। इसकी आप इससे पहले जब आदिवासी साहित्य को, आदिवासी समाज को लेकर बहुत स्पष्ट स्थितियाँ जब नहीं थी, तो आप देखते कि कहा जाता है कि वो बहुत बर्बर है, हिंसक है। क्यों है? क्योंकि पढ़ना लिखना या उस तरह की चेतना तो थी नहीं। चाहे अगर आप देखें कि स्वाधीनता आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात करते हैं, उससे पहले ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध आदिवासी लड़ रहे थे जंगलों में। जहाँ जहाँ उनके रिसोर्सेज पर जब कब्जा हो रहा था, तब तब क्या है, वो वहाँ पर लड़ रहे थे, तब तक उन्हें खदेड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी के इंटरफेरेंस मंजूर नहीं है। उनका जो सेल्फ गवर्नेंस है, उसी के आधार पर क्या है कि वो उनको अपना जो है व्यवस्था जो है वो संचालित होते हुए वो देखना चाहते हैं। दूसरी जो बात है, मुझे लगता है कि जितने भी दलित साहित्य हो या आदिवासी साहित्य हो, वो लेबर ऑफ डिग्निटी की बात करता है, श्रम के महत्व की बात करता है। जो श्रमशील समाज होता है वो हमेशा ही मुझे लगता है कि स्त्री की जो व्यवस्था है, स्त्री की जो सम्मान है, वो हमेशा से करता है। और दलित सोसाइटी में भी मुझे लगता है आरंभिक दौर में शायद हो सकता है कि मात्र सत्तात्मक समाज रहा हो, जिस तरह से आदिवासी समाजों में स्त्री का डोमिनेंस रहा है। और क्योंकि ओवर द टाइम आप जब उस मेन स्ट्रीम के बहुत करीब में हैं, तो उस संस्कृति का प्रभाव पड़ना निश्चित है। वो इसीलिए आप देखें कि दलितों में ज़्यादा हिंदू जो संस्कृति है, हिंदू समाज की जो धर्म व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी संस्कृति, पितृसत्तात्मक जो सोच है, मानसिकता है, वो निरंतर परिवारों में काम करती है। इसीलिए दलित स्त्रीवाद उभर कर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो दलित लेखक हैं पुरुष हैं, वो उन स्त्रियों की बात उस रूप में शायद नहीं रहे, तभी वो दलित स्त्रीवाद उभर कर आया है। लेकिन आदिवासी समाज उस साहित्य में स्त्री की इंडिविजुअल अपनी निजी समस्या हो सकती है, क्योंकि भारत में हम रह रहे हैं, भारतीय सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो ऐसे में उसकी अपनी निजी समस्याएं हो सकती, लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें, सामूहिक स्तर पर अगर हम देखें, तो स्त्री जो है एक अपने समाज को संचालित करती है, परिवार को नियंत्रित करती है, परिवार की अर्थ की दूरी है। जब वो जंगल भी जा रही है, जंगल से पत्थर भी तोड़ कर ला रही है, जंगल के जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसके माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। क्योंकि आप देखिए कि स्त्री को स्पेस वहाँ मिल रहा है, स्त्री को वो समतामूलक समाज वो मिल रहा है, जहाँ पर वो बराबरी के साथ अर्थ के अर्जन में वो अपना सहयोग वो दे रही है। जहाँ पर भी हम देखें कि स्त्री जहाँ पर समान भूमिका निभाती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की इक्वालिटी जब वहाँ पर आती है, तो अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करती है। जिस प्रकार ज्योतिबा फुले एक आदर्श परिवार की परिकल्पना करते हैं, आदर्श समाज की परिकल्पना करते हैं, वो क्या परिकल्पना करते हैं? ज्योतिबा फुले कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों के बीच समता का भाव होता है, तभी क्या कि एक आदर्श परिवार, आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। तो मैं इसी आधार पर मैं सोचती हूँ, परिकल्पना करती हूँ कि दलित समाज में भी एक समय ऐसा रहा होगा शायद कि जो समाज जो है क्या कि वो मातृसत्तात्मक समाज रहा हो, और धीरे धीरे क्या कि हम जब संस्कृति के संसर्ग में आते हैं, पास होते हैं, उसका प्रभाव पड़ना निश्चित ही वो रहता है, जो अभी के हम साहित्य में हम देखते हैं। और आदिवासी समाज में इसीलिए स्त्रियाँ डोमिनेटिंग है, स्त्रियाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ आप देखें कि हर क्षेत्र के अपनी अपनी जगह पर पुरुष के साथ बराबर से वो बाहर निकलती है काम करने के लिए, और अपने परिवार के लिए वो समर्पित है, और वो अपने वो एग्जिट करने के लिए तैयार। ज़रूरी नहीं कि आपने विवाह किया तो उस विवाह के उस बंधन में आपको बंधे रहना, अगर आपकी नाराज़गी है, नापसंदी है, तो आप उससे एग्जिट करने का वहाँ पर विकल्प है। और ये जो क्या कि एक बेहतर और लोकतांत्रिक समाज के भीतर मनुष्य को एक समता के साथ जीने का वो अधिकार वो देता है। और जहाँ तक अंत में संस्कृति को लेकर थोड़ा सा बात करूँगी, क्योंकि एक तरफ आप देखें कि दलित साहित्य और दलित समाज की अपनी एक अलग संस्कृति है, और लेकिन संस्कृति उस प्रोमिनेंट रूप में उभर कर नहीं आती, जिस प्रोमिनेंट रूप में आदिवासी समाज और साहित्य की संस्कृति उभर कर आती है। आदिवासी समाज जो है अपनी भाषा संस्कृति से अलग होकर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए साहित्य के भीतर आप देखें कि उसके संस्कृति और भाषा के छूटने का जो दर्द है,
उसकी रिकॉग्निशन ना होने का जो जो एक फिक्र है, चिंता है, वो आपको आदिवासी साहित्य में आपको बार बार दिखाई देता है। हर बार वो अपनी भाषा को आपकी जो संविधान की उस भाषा के शेड्यूल में डालने की वो लड़ाई लड़ रहा है। और लिटरेचर अगर आप देखें कि अपनी जो लोक की जो संस्कृति है, उस लोक संस्कृति को अपनी ही भाषा में सृजित करने की कोशिश वहाँ पर है। और इसीलिए आप देखें कि अनुवाद नहीं हो रहे। हरदर नाग के आप पद्मश्री हरदर नाग सब जानते हैं आप, उन्होंने कितनी उड़िया में कितनी रचनाएं रची हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो उपलब्ध है? क्योंकि एक तो प्रकाशक उस रूप में आपके सामने वो अवेलेबल नहीं करता है, तो दूसरी तरफ से अनुवाद की भी कर, तो भाषा और कल्चरल लेवल पर अगर आप देखें तो एक बहुत ही रिच कल्चर जो है उसके पास है, जिसके छूटने का जो बाहर निकल गए हैं। एक पीढ़ी ऐसी भी है आदिवासियों के यहाँ पर, क्योंकि उसकी भाषा की कोई रिकॉग्निशन उस रूप में नहीं है, तो वो बाहर निकली है तो अपनी भाषा भी कहीं पीछे छूट गई है, उसकी कल्चरल चीज़ें भी पीछे छूट रही है। उसके छूटने का, उसकी नई पीढ़ी को ना सौंप पाने का जो तकलीफ़ है, दर्द है, वो वहाँ पर दिखा। वहाँ पर जातीय दंश नहीं है, अस्पृश्यता का दंश नहीं, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी है जहाँ पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो ये कहता है कि हम राजा हैं तो राजा हैं, अपने अपने संसाधनों के हम मालिक हैं तो मालिक हैं, हमें अपने उन संसाधनों के मालिक बने रहने दीजिए। कोई किसी प्रकार कोई दखल जो क्या कि वो वहाँ पर अरुण जी की पर्ची आ गई है। अंत में मैं यही कहूँगी कि जिस तरह प्रेमचंद गांधी जी ने कहा कि ये संस्कृति बहुत ख़राब है, क्योंकि जब हम दलित राइटिंग को मैंने पहली बार जब दलित साहित्य को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस तरह की तकलीफ को लिख रहा है कोई, अच्छा इंसान के छूने से ये कैसी इंसानियत है जहाँ पर एक इंसान के छूने पर दूसरा इंसान अछूत हो जाता है, बहिष्कृत हो जाता है, एक ये कैसा समाज है। और जो लिखता है, और मुझे लगा कि बहुत बड़ा दंश है और वो तकलीफ़ है, हम सब देखते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब वैसा लिखने वाला, जिस दंश को झेल कर आगे बढ़ने वाला जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति उसी सोसाइटी के छात्रों के साथ या जो ज़रूरतमंदों के साथ पुनः वही तुम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत आप उसी तरह का शोषण जब कर रहे हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। साहित्य चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अपने अपने व्यवहार में अगर वो चीज़ नहीं है, हम अपने आसपास निरंतर देखते हैं रिसर्च स्कॉलर्स के साथ क्या होता है, किस तरह के बिहेवियर, जो लिखते बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना अपने समाज के बारे में, अपने बारे में, मैंने जो शोषण झेला है, लेकिन बहुत दुखद है सामने ये चीज़ें देखते हुए कि आप खुद क्या कर रहे हैं, उस पर मूल्यांकन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।